हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी मैंगो केक। ये बहुत ही टेस्टी केक बना है, टेस्टी के साथ ये हेल्दी भी है। तो आप भी अगर मैंगो केक बनाना चाहते हैं तो एक बार इस तरह से ज़रूर बनाएं, आपको बहुत ही पसंद आएगा। ये टेस्टी और हेल्दी दोनों है। तो आप इस तरह से अपने हाथों से मैंगो केक बनाएंगे तो आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो आइए हम इस केक को बनाना शुरू करते हैं। इस केक को बनाने के लिए हमने यहाँ पर दो बड़े साइज़ के आम को छील कर ले लिया है। ये देखिए, वेट में ये 500 ग्राम के करीब आम है, इसे हमने छील लिया है। और इसे हम इस तरह से आम के पीसेस को कट कर लेंगे और इसकी गुठली जो है उसे अलग कर देंगे। तो हमने यहाँ पर दो आम लिए थे, आपको जितना केक बनाना हो उस हिसाब से आप कम ज़्यादा ले सकते हैं। आम के पीसेस को हम जार में डाल देंगे। इस तरह से हमने आम के सारे पीसेस को जार में डाल दिया है। अब एक कप हम लेंगे दूध। तो आप जितना बना रहे हैं उसी हिसाब से दूध, आम, सारी चीज़ें आपको लेना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी हमने 4 चम्मच लिए हैं रेगुलर चम्मच से। आम भी मीठा होता है, हमने यहाँ पर चीनी कम रखा है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आप चीनी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम इसका ढक्कन लगाकर इसका पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने इसका ढक्कन लगा लिया है। अब इसका हम पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर पेस्ट बनकर रेडी हो गया है, हमने पेस्ट बनाकर रेडी कर लिया है। इसके बाद हम लेंगे 1 कप जिससे हमने दूध लिया था, इसमें हम 1 कप भर के पेस्ट को डाल लेंगे, मैंगो पेस्ट को। इसके बाद हम इसे एक बड़े बर्तन में डाल देंगे। ये देखिए, तो आप मेजरमेंट के लिए कोई भी बर्तन ले सकते हैं। हमने यहाँ पर ये कप लिया है, तो 1 कप हमने मैंगो पेस्ट को इसमें डाल दिया है बड़े बर्तन में। अब इसी कप से 1 कप हम लेंगे सूजी। तो यहाँ पे हमने 1 कप सूजी और 1 कप मैंगो का पेस्ट लिया है। आप जितना भी बनाना चाहते हो उस हिसाब से ले सकते हैं। हमने यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल दिया है और यहीं पर हमने थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल दिया है। आप चाहें तो बेकिंग पाउडर बाद में डाल सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमने पेस्ट और सूजी दोनों को बराबर लिया था, ये बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है। ये देखिए, अभी हम इसमें अब कुछ नहीं डालेंगे। अब हम इसे ढक कर रख देंगे रेस्ट करने के लिए 10 से 15 मिनट। 10-15 मिनट में ये अच्छे से फूल जाता है। इसके बाद हमें जिसमें केक बनाना है उस बर्तन को ले लेना है। ये देखिए, आपके पास बेकिंग ट्रे नहीं हो तो आप इस तरह का कोई भी बर्तन ले सकते हैं जिसमें आप केक बनाना चाहते हो। इसमें थोड़ा सा तेल लेके इस तरह से हम लगा लेंगे। आप इस तरह से पूरे बर्तन में तेल अच्छे से लगा लें। इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा मैदा डालेंगे। तो हमें मैदे की इसकी कोटिंग कर देना है मैदे से। ये देखिए, इस तरह से ये अच्छे से लग जाता है। ये देखिए, ऐसे घुमाते जाएंगे, बहुत ही अच्छे से लग जाएगा। एक्स्ट्रा मैदा जो है इसमें उसे हम झाड़कर हटा देंगे। और ये हमारा केक बनाने के लिए बर्तन रेडी हो गया है। अब यहाँ पर सूजी भी अच्छे से फूल गई है, तो ये बहुत थिक है, तो हम इसमें थोड़ा सा मैंगो पेस्ट और डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने इसमें मैंगो पेस्ट और डाल दिया है। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, आप चाहें तो इस टाइम पर भी बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं। अगर आप पहले नहीं डालना चाहते हैं तो इस टाइम पर भी डाल सकते हैं बेकिंग पाउडर, और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब जिसमें हमें केक बनाना है उस बर्तन को लेंगे और इसमें हम ट्रांसफ़र कर देंगे। मैं इसे भगोने में बनाऊंगी, आप कढ़ाई, भगोना, किसी भी बर्तन में आप इसे बना सकते हैं। तो मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया है भगोना को, वो अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें रख देंगे। ये देखिए, इस तरह से एक भगोना लेंगे और उसमें हम
स्टैंड रख सकते हैं या फिर छोटी सी कटोरी को इस तरह से ऐसे पलट कर रख सकते हैं। ये देखिए आप भगोना, कुकर, कढ़ाई किसी में भी आप बना सकते हैं इस केक को। तो हम इसमें सावधानी से रख देंगे इस तरह से, ताकि हाथ जले नहीं, क्योंकि ये बर्तन गर्म हो गया है। तो अब हम इसे ढक देंगे। तो हमें इसे पहले 10 मिनट लो फ्लेम पर रखना है, फिर 10 मिनट हम थोड़ा सा हाई कर देंगे, इसके बाद फिर से 10 मिनट लो रखेंगे। ये देखिए हमने कुल मिलाकर यहाँ पर 40 मिनट तक इस तरह से इसे पका लिया है। केक अभी हल्का सा चक्कू में चिपक रहा है। ये देखिए हम इसे 2 मिनट के लिए फिर से ढक कर रख देंगे हाई फ्लेम पर, मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमें इसे रख देना है 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पर हमने इसे 2 मिनट और पका लिया है। ये देखिए आप इस तरह से इसे चेक कर सकते हैं। तो अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ये देखिए इस तरह से इसे छोड़ दें और ठंडा होने दें। यहाँ पर केक को हमने ठंडा कर लिया है। ये देखिए अब हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे। तो पहले हम एक नाइफ़ की मदद से इसे, इसके जो किनारे हैं इसे इस तरह से छुड़ा लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें इसे छुड़ा लेना है। हमने इसमें ऑयल ना डाला है और ना ही इसमें ज़्यादा हमने सोडा डाला हुआ है, थोड़ा सा हमने बेकिंग सोडा ही डाला है, इसलिए ये हेल्दी भी है। हमने इसमें ज़्यादा ऑयल, बटर, घी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा ऑयल या बटर डाल सकते हैं, हमने इसे ऐसे ही बनाया है। ये देखिए क्योंकि इस तरह से बनाने से हेल्दी और टेस्टी दोनों होता है, तो इसीलिए हमने इसमें ऑयल, घी का इस्तेमाल नहीं किया है। ये देखिए इस तरह से हमने इसे कट कर लिया है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं। हमने यहाँ पर कट कर लिया है और मैंगो का ही हमने क्रीम बनाया है। ये देखिए इस तरह से हम इसमें लगा देंगे, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, बच्चों को बहुत ही ये पसंद आएगा, तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए हमने इसमें खूब सारा मैंगो डाला है। हमने यहाँ पर थोड़ा सा मैंगो के पीसेस कट करके ले लिए हैं और इसे इस तरह से इसमें हम डाल देंगे मैंगो पीसेस को। ये देखिए इसके बाद हम इसका दूसरा लेयर लगाएंगे, जो दूसरा वाला पार्ट हमने कट कर रखा हुआ है। ये देखिए इस तरह से रख देंगे इसके ऊपर। हमने यहाँ पर जो मैंगो क्रीम बनाया है इसे हम फिर से इसके ऊपर से लगा देंगे। ये देखिए इससे बहुत ही अच्छा लगता है, बच्चों को बहुत ही पसंद आता है, तो आप एक बार इस तरह से ज़रूर बनाएं, आपको बहुत ही पसंद आएगा। और हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए इस तरह से हम इसे चारों तरफ से कवर कर देंगे मैंगो क्रीम से। ये देखिए इस तरह से हमने इसे कवर कर दिया है। अब इसमें हम थोड़े से मैंगो पीसेस और ऊपर से ऐसे डाल देंगे। अगर आपके बच्चे मैंगो खाते हों, उन्हें मैंगो पसंद होगा, तो ये केक उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि हमने इसमें खूब सारा मैंगो डाला हुआ है और ये टेस्टी के साथ हेल्दी भी है। ये देखिए बहुत ही टेस्टी केक हमारा बनकर रेडी हो गया है। मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से हम नाइफ़ से इसे कट कर लेंगे। ये देखिए कितना टेस्टी केक बना हुआ है। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो इस मौसम में आम बहुत ही सस्ते मिल रहे हैं, आम का सीज़न भी है, तो आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए बहुत ही टेस्टी केक बना हुआ है।
हमारा मैंगो सूजी केक बनकर रेडी हो गया है। आई होप कि हमारी रेसिपी आपको पसंद आई होगी।